नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार के नेम आर्ट वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा जिसमें आपको ये प्लस आइकन दिख रहा है, इसको दबा देना है और 16:9 का रेशियो ले लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है जिसका लेंथ 12 से 15 सेकंड के करीब कुछ इस तरीके से कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दिया, सिंपली आपको जाना है उन वीडियोस को डाउनलोड करके लेके आना है। तो मैं पहले वीडियो को लेके आता हूँ, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस पहले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा पहला वीडियो है, कुछ इस तरीके से हमारा पहला वीडियो है। इसे सिंपली इस तरीके से बड़ा कर लेना है खींच के और यहाँ पे हमें रख देना है, कुछ इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है और इन एनिमेशन में जाना है और स्लाइड राइट कर देना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके स्पीड को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसके स्पीड को 3 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसके स्पीड को कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो हमें लेके आना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला वीडियो है, कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट वाला वीडियो है। इस पर क्लिक करना है और दाहिनी तरफ आपको जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और इसे खींच के यहाँ पे हमें रख देना है, कुछ इस प्रकार से रख देना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, मिडिल में रख देना है। उसके बाद इन एनिमेशन में जाना है और स्लाइड लेफ्ट कर देना है और इसके स्पीड को भी हमें 3 कर देना है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके साउंड का लिंक इस टेक्स्ट में इंक्लूड है तो आप आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हमारा दिखेगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके की वीडियो को आप बनाकर गांधी जयंती के दिन अपलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए बाईं तरफ जो शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल की साइज को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।